भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बनाई कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के फाइनल में जगह। सेमीफाइनल मुकाबले में थी इंग्लैंड की टीम को मात। जानेंगे क्या है पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना हुआ इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के साथ। आज के इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना आक्रामक अंदाज में नजर आई और उन्होंने 32 गेंदों पर 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। स्मृति मंधाना ने अपनी पारी में 3 छक्के और 8 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 190 के करीब रहा। स्मृति मंधाना के अलावा जेमिमा रोड्रिक्स ने अंतिम ओवरों में 31 गेंदों पर 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली और भारतीय टीम को 164 रनों के स्कोर तक ले गयी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 20 रन और दीप्ति शर्मा ने 22 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफी शानदार रही थी। आपको बता दें, एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से जीत लेगी, लेकिन आखिरी ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले को 4 रनों से जीतने में कामयाब हुई। अब भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है और कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।